हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 23 जून 2023 और आज हम एनालाइज करेंगे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला ही जो न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस से निकल के आ रहा है, ठीक है। न्यूज़ है हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इतफाक़ से इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी मैंने लास्ट ईयर कवर किया था, मैं गया था वहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। केवड़िया जो विलेज है उसी में एकता नगर स्टेशन से आपको जानी होती है, बस सर्विस फ्री है और बहुत ही अच्छा है। डेफिनेटली अपने वंस इन ए लाइफ तो आप ज़रूर जाओ एक बार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। प्लस आसपास में सफारी भी है, बहुत दिन भर में आपके पास बहुत ऑप्शन है घूमने के लिए और एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार जो टिकट आपने ले ली उसमें सारे के सारे कवर होते हैं। तो डेफिनेटली एक बार तो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने ज़रूर जाओ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है वो भी हमारे देश में और आपके आसपास में ही। मैं तो दिल्ली में हूँ तो वहाँ से भी नज़दीक ही है, हार्डली टेक्स 2 आवर्स बाई फ्लाइट। आप ट्रेन से भी जा सकते हो, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। मुंबई वालों के लिए तो और नज़दीक है, तो ज़रूर जाइए एक बार। चलिए तो न्यूज़ एनालाइज कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी। पहला ये कह रहा है, इट वॉज क्रिएटेड एज अ ट्रिब्यूट टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो भाई सबको पता है 100%। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात बाई द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती। ये थोड़ा डाउटफुल है ना, ये शायद नर्मदा के आसपास है। एग्जैक्टली, साबरमती में तो हमारे महान फादर ऑफ द नेशन, उनका आश्रम है ना, फादर ऑफ द नेशन गांधी जी का, ठीक है, साबरमती आश्रम जो उनको कहते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग हुआ, तो ये नर्मदा में, ठीक है। देखो न्यूज़ में क्यों आई है वो जान लो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है न्यूज़ में क्यों आए, ये सबको पता था कि कहाँ पे सिचुएटेड है। एक्चुअली क्या हुआ कि स्टैचू ऑफ यूनिटी एरिया जो है वो डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नमेंट्स अथॉरिटी, मतलब इसका पूरा शॉर्ट मिलकर तो SUADTGA, ठीक है, उसने रिसेंटली इशू किया एक टेंडर जिसमें जो सस्पेंडेड हेलीकॉप्टर जॉय राइड था ना, हेलीकॉप्टर का एक जॉय राइड था, ठीक है, वो सस्पेंड कर दिया गया था, सस्पेंडेड था, वो फिर से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए स्टार्ट किया जाए। उससे क्या होगा ना कि आप एकदम टॉप, वैसे भी तो आप अगर अंदर से लिफ्ट लगी हुई है आप एकदम टॉप तक जा सकते हो उनके, लाइक चेस्ट तक जाके देख सकते हो, लेकिन उसके ऊपर भी आप, मतलब होता है ना बाहर से जो व्यू होता है उसके लिए अभी बात चल रही है कि इसे स्टार्ट की जाए। और इसके लिए उन्होंने एक टेंडरशिप निकालने की बात की है, तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स होंगे वो डेफिनेटली जाएँ और ये करें। तो इसीलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट आ गई थी क्योंकि हमारे आयरन मैन ऑफ द इंडिया के ऊपर है, तो कभी कल क्वेश्चन पूछ देता है। ये नहीं पूछेगा कि हाँ उसने क्या किया था, मतलब यहाँ ये पूछ सकता है कि कौन से रिवर के बैंक्स में है या फिर हाइट क्या है। तो हाइट इज़ आपको याद ही होगा 182 मीटर टॉल है, वो उनके पैर से लिया गया, नीचे का जो बेस है उसे कैलकुलेट भी नहीं किया, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टावर है, ठीक है। और एक टाइम इससे रिलेटेड और बताता हूँ, ये 177 जो फीट है वो एक चाइना का स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है वहाँ, उससे भी लंबा है। और देखा जाए तो एलएनटी ने इसे बिल्ड किया था, 2400 करोड़ का शायद लागत था, जिसमें वो 5 या 6 साल का ये भी फ्री दे रहे थे। ओके, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। और दूसरा नहीं और कुछ बताना, हाँ अगर पूछा जाए कि किसने इसका स्कल्पचर तैयार किया था तो राम वी सुतार ने, ठीक है, ये याद रखिएगा, एक्सप्लेनेशन में इसे डाला हुआ है। और डेफिनेटली वो पद्म भूषण विनर भी है और ही इज़ लाइक कि 96 ईयर्स के आसपास हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है ANINews.in, ठीक है, न्यूज़ है आपका हाइड्रोग्राफी जियोग्राफी का न्यूज़ है ये, ठीक है। चलो तो न्यूज़ को देख लेते हैं। कहा जा रहा है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंसेस विच डील विद द, एक सेकेंड, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंसेस विच डील्स विद द मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल मेजर्स ऑफ ओशियन एंड अदर वाटर बॉडीज। दूसरा कह रहा है हाइड्रोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज यूज फॉर मेकिंग द नॉटिकल चार्ट्स दैट ऑल मरीनर्स यूज फॉर नेविगेशन, ठीक है। हाइड्रोग्राफी ये समझते ही हो, हाइड्रो मतलब वाटर, ग्राफी मतलब इंफॉर्मेशन, उसके बारे में नॉलेज, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो एक तरह का जो ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइंसेस का है जो डील करता है मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल मेजर्स ऑफ ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज, डेफिनेटली वाटर से रिलेटेड है तो अप्लाइड साइंसेस के अंदर ही आता है। जियोग्राफी में भी आप आ सकते हो और अप्लाइड साइंसेस में भी आ सकते हो, ठीक है।
दूसरा हाइड्रोग्राफिक, हाँ कहाँ से लिया है न्यूज़ बताते हैं, ANI न्यूज़ देखते हो ना, कभी कॉल न्यूज़ में रहता है ANI न्यूज़ का, कभी कॉल देखते हो किसी और बोर्ड चैनल में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो साइड में उसका आता है ANI न्यूज़ से, तो वैसे ही है ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हाइड्रोग्राफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ की जाती है फॉर मेकिंग द नॉटिकल चार्ट्स दैट ऑल मरीनर्स यूज़ फॉर नेविगेशन, डेफिनेटली ये नॉटिकल चार्ट्स यूज़ करते हैं। नॉटिकल इज़ लाइक कि जैसे वाटर पे आप ट्रैवल करोगे तो नॉटिकल माइल्स में डिसाइड किया था, माइल्स ठीक है, और वैसे आप रोड पे हो तो किलोमीटर ठीक है, तो वो माइनर्स को बहुत बेनिफिशियल होता है वो रास्ता फाइंड आउट करने के लिए ना एवरीथिंग। ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है 100% करेक्ट है। हुआ क्या है कि रिसेंटली यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ठीक है, उनका एक विजिट हुआ था हाइड्रोग्राफी सिप साउथ जेट्टी। जेट्टी वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाता है, जैसे आप गंगा जी में भी जो बहुत दूर, जो जैसे आप कोलकाता जाओ तो देखो गंगा जी में भी जेट्टी चलते रहती है, उस पर बैठ के आप घूम सकते हो, थोड़ा देर घुमा देता है 20 मिनट के आसपास ठीक है। इंडियन नेवल स्टेशन जो है कोची में, वहाँ पे क्यों भाई, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे था ठीक है, उसी के लिए ये ट्रैवलिंग हुई थी। और दूसरा कि बात करें एक्चुअली क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ था, तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशंस, देखो अभी ये बात चल रही है कि ओशंस को जो है यूज़ किया जाए और थोड़ा साफ़ सफाई एंड एवरीथिंग के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा मेजर लिए जा रहे हैं बैक टू बैक ठीक है। तो कि मतलब होता है ना कि ओशंस बहुत ज़्यादा गंदे करते जा रहे हो, जिसका बैड इम्पैक्ट जो है टाइम टू टाइम मिलता है, फ्लड्स आते हैं तो सारा का सारा जो है हमारे ही ऊपर आ जाता है, तो इसीलिए हमें ये हमारा ड्यूटी है कि विल टेक केयर ऑफ आवर मदर अर्थ, चाहे वो ओशंस हो या फिर ग्राउंड लेवल हो, तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये सब को लेके एक्चुअली ये किया जा रहा था ठीक है। और जनरली इकोसिस्टम्स को अच्छे करने के लिए जो है वो जो जट्टी उट्टी होती है या फिर ऐसे ऐसे टाइप के जो मतलब होते हैं ना, वो टाइम टू टाइम स्टार्ट किए जाते हैं प्रोग्राम्स, और इसीलिए हाइड्रोग्राफिक डे मनाने का मेन रीज़न भी यही था ठीक है। और दूसरा कि अगर बात किया जाए तो हाइड्रोग्राफी जो है वो इन्वॉल्व करती है टाइड एंड करेंट्स को भी ठीक है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और सैटेलाइट ऑब्जर्वेशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो पर्टिकुलरली आप अगर नेविगेशंस के फील्ड में देखो तो हाइड्रोग्राफिक इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी 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 मच इन्फॉर्मेटिंग ठीक है। सेफ एफिशिएंट सस्टेनेबल कंडक्ट ऑफ एवरी ह्यूमन जो है, ये यहाँ पे देख लो आप थोड़ा एक्सप्लेनेशन, ये सारा का सारा जो मैंने बताया वही एक्सप्लेनेशन ठीक है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारा आ रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड है ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क के ऊपर है। अब नेशनल पार्क पे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ही, तो गंगोत्री नेशनल पार्क क्या हो गया इससे, गंगोत्री नेशनल पार्क के ऊपर ये न्यूज़ है ठीक है। और ये कह रहा है कि गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उत्तराखंड में। न्यूज़ में क्यों है वो इम्पोर्टेंट है, देखो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है उसके अथॉरिटीज़ ने ये किया है कि 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो आर्मी को, 50 हेक्टेयर लैंड आर्मी को देने की बात की गई। कहाँ, तो इंडो टिबेटन बॉर्डर ऑफ पुलिस जो है उनको, ITBP स्पेशली ठीक है। और दूसरा कि क्यों ऐसा करने का है, ताकि बंकर्स और बॉर्डर आउटपोस्ट जो हैं LIC के पास ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे बोला जाता है इंडिया का, वहाँ पे बंकर्स और जो बॉर्डर आउटपोस्ट जैसे होते हैं ना, छोटे छोटे आउटपोस्ट बनाए जाते हैं जहाँ पे 4-5 सैनिक हमेशा रहते हैं हमारे आर्मी बल के लोग, ताकि वो सपोर्ट कर पाए, तो इसीलिए ताकि अगर दूसरे देश से कोई आ रहा है तो विल टेक एक्शंस, तो इसी वजह से उन्होंने ये डिसाइड किया। तो इसीलिए ये तो आप मान के चलो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गंगोत्री नेशनल पार्क, कि ये पूछा जा सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन इसे आ सकता है। अगर UPSC नहीं भी पूछा तो डेफिनेटली स्टेट PCS का तो ये 100% फेवरेट क्वेश्चन है, बट ये डेफिनेटली UPSC में नेक्स्ट ईयर आएगा ठीक है। लोकेशन देख लो तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड, उत्तरकाशी ठीक है डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। दूसरा कि नॉर्थ ईस्टर्न सेक्शन जो है, जहाँ पे इंडो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और तिब्बत का, मतलब जो चाइना के अभी कंट्रोल में, वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ देखा जा रहा है कि चाइना अपना आउटपोस्ट तैयार कर रहा है, कभी ब्रिज बना रहा है, कभी रेलवे बना रहा है, अभी तो उसने सेटेलाइट ही लगा दिया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा देखा जाए तो, वन ऑफ द बिगेस्ट सेटेलाइट, तो इसीलिए इंडिया भी अब ये। और देखो होता क्या है ना कि कुछ कुछ जो बॉर्डर्स है, जैसे इंडो और चाइना का बॉर्डर है, उसमें जो कंस्ट्रक्शन कर लिया वो एरिया उसका हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई बॉर्डर तय किया हुआ है,
ठीक है, एक है इससे के बाद जो है आप आगे हमारे देश में नहीं आ सकते, पर एक पर्टिकुलर एक नो मैंस लैंड वाला एरिया होता है, उसमें आप कोई भी अगर वो कंस्ट्रक्शन कर ले ठीक है, तो वहाँ पे अब वो पार्ट उसका हो गया। इसलिए इंडिया भी अब चाहती है कि अपना आउटपोस्ट बने और ताकि वो जो पर्टिकुलर एरिया है उसके आगे चाइना को ना बढ़ने दें। तो ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है ठीक है, और इसमें कुछ बताने का तो नहीं था ठीक है। और देखा जाए तो फेमस गंगोत्री ग्लेशियर जो है, गंगोत्री ग्लेशियर निकलती है यहीं से, इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है। एक बार आप इसका स्पेसीज इसमें ब्राउन बियर, ब्लू शिप, मस्क डियर, एशियन ब्लैक हियर, ये सब हिमालयन था, ये सब आपको मिल जाएगी देखने को। टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया गया था ये पूरा एक्सप्लेनेशन, आप एक बार चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रही है हमारा, आइंस्टाइन टेलीस्कोप, साइंस एंड टेक का न्यूज़ है ठीक है, और ये हमने news9live.com से लिया। मैं जब बोलता हूँ तो आप लोगों को लगता होगा कि ऐसे ही बोल रहे हैं, पर आप क्रॉस चेक कर लो, उसी में मिलेगी आपको ठीक है। News9 पर आइंस्टाइन से लियो तो साइंस का ही मान लो ये पार्ट है। न्यूज़ क्या कह रहा है, इट इज़ एडवांस ग्रेविटिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी करेंटली इन द प्लानिंग स्टेज ठीक है। एक एडवांस्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है ठीक है, जो डेफिनेटली स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ आ गई कि हाँ भाई स्पेस के बारे में क्या, और साइंस एंड टेक प्लस ग्रेविटी के बारे में क्या ये पता कर सकती है। लो फ्रिक्वेंसी सेंसिटिविटी है जो डिटेक्ट करती है इंटरनेट इंटरमीडिएट ब्लैक मास्क ब्लैक होल्स को ठीक है। तो जनरली स्पेस के फील्ड में हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारा देश भी है, टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट कर रही है, इंटरनेशनल में नासा भी है, यूरोपियन यूनियंस का भी जो अपना स्पेस एजेंसी है, रशिया भी लगी हुई है, चाइना भी लगी हुई है, तो सब चाह रहे हैं कि स्पेस को जितना से ज़्यादा हो सके एक्सप्लोर करें। इसीलिए हमेशा आपको देखने को मिलेगा साइंस से एक दो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेस से तो डेफिनेटली पूछते हैं, एक तो स्पेस से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ये तो आप हमेशा मान के चलो ठीक है। तो इसमें जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। देखो सन ठीक है, सन जो है, अब ये आप मेरे को पता बोलना कि सन का फुल फॉर्म क्या है, अगर आप यूपीसी एस्पिरेंट हो और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट हो तो डेफिनेटली यू नो द फुल फॉर्म ऑफ सन ठीक है। वो डेफिनेटली अभी हेल्प कर रहा है आइंस्टाइन टेलीस्कोप बनाने में, जिसमें मैसिव सब टेरेनियन ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर के तौर पे होगा ठीक है, जो कि 10 गुना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, 10 टाइम्स मोर सेंसिटिव, ये याद रखना, 10 टाइम्स मोर सेंसिटिव होने वाला है ठीक है। और देखा जाए तो अभी ये प्लानिंग स्टेज में है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और एडवांस वर्गो एंड एडवांस लीगो जो लेज़र इंटरफेरोमेटिक डिटेक्टर्स है उस पर काम कर रहा है ये, और कंप्लीटली आप कहो तो इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग इज़ लाइक कि जो भी स्पेस एंड ऑब्जर्वेटरीज है उससे रिलेटेड ही ये सारा का सारा न्यूज़ है ठीक है। और बाकी का इसमें अगर कुछ बताने का है तो ये बता सकते हो कि इससे क्या होगा कि सेंसिटिविटी जो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, हम लोग अच्छे हो जाएंगे। साइज ऑफ इंटरफेरोमीटर जो है वो 3 किलोमीटर आर्म लेंथ रखा गया है, और वर्गो डिटेक्टर का जो है वो 10 किलोमीटर रखा गया ठीक है। तो ये एक तरह का नया टेक्नोलॉजी है और जिससे हमें ग्रेविटी के बारे में और ज़्यादा पता चलने को मिलेगा इसीलिए ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन जो है मैंने डाल दिया है, साइंस में अगर थोड़ा आपने पढ़ा होगा तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्पेशली, तो आपको इससे और ईजी और मदद मिल जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़े, असम राइफल्स द हिंदू से लिया गया न्यूज़ है। चलिए ये रहा न्यूज़। असम राइफल्स ठीक है, वैसे असम बोलते हैं, बहुत लोग असम भी बोलते हैं, डेफिनेटली जैसा आपका प्रोनाउंसिएशन है इट्स ओके, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है आप वैसे बोल सकते हो ठीक है। तो अब असम राइफल्स के ऊपर न्यूज़ निकल के आई है, ये न्यूज़ जो है हमने द हिंदू से लिया है। चलिए तो न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एंड द लीडिंग काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स इन द नॉर्थ ईस्ट, डेफिनेटली ये तो 100% करेक्ट है। असम राइफल्स डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट में ही है, असम का वो कहते हैं ना सेवन सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को सेवन सिस्टर्स, जो 7 स्टेट हैं प्लस अब ब्रदर, ब्रदर आपका हो गया जो सिक्किम है उसे ब्रदर मानते हैं ठीक है, सेवन सिस्टर विद द ब्रदर, तो डेफिनेटली असम भी जो है वो 7 सिस्टर्स में ही आता है, और सिक्किम को उसका भाई माना गया क्योंकि सिक्किम थोड़ा सा नॉर्थ से ईस्ट से कटा हुआ है ऊपर है ठीक है। चलिए तो दूसरा कहते हैं ऑपरेशन कंट्रोल ऑफ द फोर्स इज विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नहीं ये गलत है,
होम अफेयर्स के अंडर में नहीं है, ठीक है? तो अगर इसके अंदर में नहीं है तो आप मुझे बताओ, 5 सेकंड का टाइम है कि किसके अंडर में, 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, आप बोल सकते हो। चलिए, ये आपके 5 सेकंड खत्म हो गए, कंप्लीटली पैरा मिलिट्री फोर्स के कंट्रोल में, पैरा मिलिट्री फोर्स के कंट्रोल में, ठीक है? हाँ, आप ये कह सकते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, ऑपरेशन है, ऑपरेशन पैरामिलिट्री में, और एडमिनिस्ट्रेटिव का बात करें तो ये इसके कंट्रोल में। चलिए थोड़ा न्यूज़ को देख लेते हैं। देखो, असम राइफल्स जो है रिसेंटली उसने एडिशनल ट्रूप्स को ये किया है, ताकि एक ब्रिज है, नेशनल हाईवे है बेसिकली साउथ मणिपुर का, वो सब एक ही दो ऐसे ब्रिज और हाईवेज हैं, अगर वो सिक्योर नहीं, कारगिल के टाइम में पाकिस्तान यही चाह रहा था कि ब्रिज को उड़ा दें, ताकि फिर नॉर्थ ईस्ट, मतलब जैसे पर्टिकुलरली कश्मीर के लिए जो कनेक्टिविटी थी वो कम्प्लीटली बंद है, तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट का भी जो कनेक्टिविटी है ना, छोटे छोटे नैरो ब्रिजेज हैं, अगर वो उड़ा दिया जाए तो डेफिनेटली हमारा नॉर्थ ईस्ट से मतलब जो ग्राउंड सपोर्ट है वो टूट जाएगा, फिर आप फ्लाइंग जोन में ट्रैवल कर सकते हो, पर उतना जो ग्राउंड लेवल का सपोर्ट है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इन कंपेयर विद, अगर आप एयर सपोर्ट दे रहे हो तो, ठीक है? उतने सामान आप ले नहीं सकते हो प्लेन में, बैक टू बैक आपको प्लेन ले जानी पड़ेगी, लानी पड़ेगी, तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत वाला बात था। और दूसरा, कि कहा जाए तो असम राइफल्स जो है वो एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है डेफिनेटली, और इंसर्जेंसी फोर्स तैनात की गई, बेसिकली लीडिंग इंसर्जेंसी फोर्स भी, और अभी देख ही रहे थे आप मणिपुर का जो हाल था, उसके वजह से ये सब चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो इंडिया का अगर, हाँ वैसे अगर सबसे पुराना माना जाए तो पैरामिलिट्री फोर्स है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जनरली अपॉइंट किया गया था, अगर हाँ ये आप थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है, मुझे 1835 में ब्रिटिश के द्वारा इसे अपॉइंट किया गया था, जिसे सेशर लेवी कहते थे, उस टाइम सेशर लेवी का नाम दिया गया था, ठीक है? और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है, मोटो है फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपल कंट्रोल, ठीक है? ये सब है, बाकी का आप एक बार ये पढ़ लो, बस इसमें जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, ऑपरेशनल कंट्रोल किसके पास है वो आप जान लेना, और बाकी का आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट मिल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो जो न्यूज़ आ रही है हमारी, निकल के आ रही है PIB से, PIB का कोई भी न्यूज़ रहे ना तो वो डेफिनेटली कवर करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो ऑफिशियल साइट है गवर्नमेंट का जो रिलीज़ करती है डेटा को, और अगर ऐसा कुछ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में है, जनरली वो ज़्यादा रिलीज़ नहीं करते, पर कर रही है तो समझ लो कि ये अवेटेड क्वेश्चन है, कि हाँ UPSC इज़ वेटिंग कि हाँ इस क्वेश्चन को कब पूछें। तो जेम को वैक होम वैक्सीन, ठीक है भाई, होम वैक्सीन है तो डेफिनेटली न्यूज़ में होगा और इम्पोर्टेंट होगा, कहा जा रहा है इंडिया का फर्स्ट, हाँ इस बार UPSC UPPCS में ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया का पहला जो इंडिया में जो यूज़ किया गया था mRNA वैक्सीन वो पहला कौन सा था, आप चाहो तो इस बार का 2023 के क्वेश्चन में देख लो उठा के, डेफिनेटली पूछा गया, ठीक है? तो इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड mRNA वैक्सीन फॉर द ओमनीक्रोन वेरियंट, डेफिनेटली कोरोना का जो सबसे डेडलीस्ट वेरियंट है ओमिक्रोन, उसके ऊपर है, तो बिल्कुल 100% करेक्ट है। और वैसे भी अब WHO ने कह दिया है कि इंडिया कोरोना इज़ नॉट लाइक नेशनल, मतलब इंटरनेशनल इशू, अब ये एक पेंडेमिक नहीं रहा, तो ये बात खुद WHO ने कहा, तो अब तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि हाँ आप नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ फिर भी प्रिकॉशंस लेते रहिए, केसेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, तो प्रिकॉशंस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इट इज़ डिलीवर्ड इंट्रा डर्मनली यूजिंग ए निडल फ्री इंजेक्शन डिवाइस, हाँ ये एक्चुअली निडल फ्री डिवाइस होगी जिसको इंजेक्ट किया जाएगा, जनरली नाक के थ्रू भी दे सकते हैं, और क्या कहते हैं आप, जैसे आपको माउथ के थ्रू, नाक के थ्रू, तो ये सब में फ्री ही नहीं होती, और वे उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो बेसिकली इंजेक्शन लेने से डरते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो हुआ क्या है कि रिसेंटली जो इंडिया का पहला mRNA वैक्सीन जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए बनाया गया, और इससे अप्रूव कर दिया है DGE, डायरेक्टर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है? ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के द्वारा इसे ये मिल गई, मतलब अब ये ऑपरेशनल हो सकता है, आप यूज़ कर सकते हैं।
और जनरली का मिशन है ना, द मिशन कोविड सुरक्षा, उसके तहत ही सब बन रहे हैं। अब तो है ही कि अब दिक्कत नहीं है, एक टाइम था जब कोरोना इज अ पेंडेमिक, अब नहीं है, तो आराम से आप लोग भी ले सकते हो। पर अगर वैक्सीन नहीं लिए तो डेफिनेटली टेक अ वैक्सीन। तो इसे दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो 100% करेक्ट है। और यूपीएससी में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 का, इस सीरीज़ के बाद आप एक बार उठा के देखना, आपको पता चल जाएगी कि हाउ मच इट इज़ बेनिफिशियल। आप चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, अभी भी आप चाहो तो 2023 का क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज़ को देख लें थोड़ा, शायद आप लोगों ने देख लिया, नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, गूगल पे आपको मिल जाएगी, क्योंकि यूपीपीसीएस ने डायरेक्ट ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर आ जाते हैं, ये भी पीआईबी से ही लिया गया है, और ये जो क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन के ऊपर है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ रहा है। आंसर आज आप लोगों को पहले ही दिख रहे हैं, मेरे को 5 सेकंड का टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों, पर चलो कोई बात नहीं, एडिटोरियल आप होप कि आप लोग कर रहे होंगे। अगर आप लोग रिप्लाई करोगे कि हाँ मुझे एडिटोरियल का क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, तो डेफिनेटली अब मैंने सोचा कि मैं दूंगा। अगर अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया तो फिर डेफिनेटली मैं देना बंद कर दिया इसलिए मैंने क्वेश्चन को, पर मुझे लग रहा था कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, आप लोग लिखोगे पर रिप्लाई नहीं आते आपके, तो इसलिए मैंने अब वो एडिटोरियल वाला क्वेश्चन बंद कर दिया। हाँ अगर आपको फिर से शुरू करनी होगी तो लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू ऑल द डे टू डे एडिटोरियल क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन, ठीक है, ये कह रहा है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है कॉपरेटेड एमोंग पीपल कंट्रीज टू इन्हेंस प्लांट हेल्थ एंड प्लांट प्रोटेक्शन को, ठीक है, तो ये तो 100% करेक्ट है, ठीक है, ये इसका काम ही यही है, प्लांट हेल्थ प्लांट प्रोटेक्शन ये सब में प्रमोट करना। दूसरा, इंडिया इज़ नॉट अ मेम्बर, इंडिया भी मेम्बर है, जहाँ क्लाइमेट का बात है तो इंडिया तो सबसे पहला मेम्बर बनता है, इंडिया लव्स टू हेल्प दिस काइंड ऑफ थिंग। तो अभी क्या हुआ है कि एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन जो है वो एनोमलीसली इलेक्टेड इंडिया एज अ चेयर ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट फॉर द बीनियम 2023-24, मतलब जो है ईयर या देख लो सेशन 2023 से 2024 के लिए, ठीक है, और वो भी कब, तो 32nd सेशन है जो हेल्ड हुआ है इसका बैंकॉक में, उसमें ये डिसीजन ली गई है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल इश्यू से कोई क्वेश्चन आए ना तो उसे तो डेफिनेटली कवर करो कि इंडिया का क्या उसमें पार्टिसिपेशन, इंडिया को कुछ शेयर मिला, जैसे भी G20 है, इसे क्वेश्चन अगले साल देखना डेफिनेटली आएंगे, एक दो क्वेश्चन तो आएंगे इसीलिए। और अभी नवंबर में जो फाइनल जो सारे के सारे देश के डेलीगेट्स आएंगे इंडिया में, ठीक है, वो जो फाइनल चेयर होगा G20 का, ये सब बहुत हेल्पफुल होगा, इसको तो डेफिनेटली न्यूज़ को कवर करना नवंबर के टाइम में, जब हम इसे एनालाइज करेंगे आफ्टर एवरीथिंग हैपेंड और इंडिया का जो प्रेसिडेंसी वहाँ ख़त्म होगा, देन फिर एक बार देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम से पहले भी एक बार उसे देख लेना, ठीक है। और देखा जाए तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है कॉपरेशन एमोंग कंट्रीज एशिया पैसिफिक रीजन प्लांट हेल्थ और प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और इस्टेब्लिश की गई थी ये आपका 1956 में ही, बहुत पुराना है, ठीक है, एज ए रीजनल बॉडी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखो आज इतने सारे पार्टिसिपेंट्स इसके, राइट नाउ 25 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, इंडिया भी इंक्लूड करके, ठीक है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो 2 साल के लिए बनाया जाता है, 2 ईयर्स, ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव यही है पीस, मतलब प्लांटेशन हेल्थ, ये सब ऑब्जेक्टिव हैं इसके। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ें, नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मेसोलिथिक पीरियड हिस्ट्री का न्यूज़ है, और ये न्यूज़ भी द हिंदू से लिया गया, हिंदू और इसके न्यूज़ बहुत हैं, दो हिंदू के हो चुके हैं और दो पीआईबी का भी बैक टू बैक हो गया, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड का न्यूज़ है, इसमें कह रहा है पीपल ऑफ दिस पीरियड वॉज नॉट एक्वेंटेड विद फिशिंग टेक्निक्स, ये आपके भाई को बताना ऐसा था सच में क्या। चलिए और दूसरा ये कह रहा है ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ दिस पीरियड वर प्रीडोमिनेंटली हंटर गैदरर्स कम्युनिटीज, हाँ ये डेफिनेटली हंटर गैदरर्स होते हैं, पर फिशिंग के भी टेक्निक्स से आते थे आई गेस। चलिए तब से देख लेते हैं रिसेंटली क्या हुआ है कि मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग जो है जिसमें एक इंसान को दिखाया है जो टीलिंग अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, वो पाया गया कहाँ, तो और वा कल्लू विलेज, और वा कल्लू विलेज कहाँ पे है, तो गंटूर डिस्ट्रिक्ट में। अब गंटूर कहने के बाद तो आपको डेफिनेटली पता चल गया होगा गंटूर इज इन विच स्टेट, तो
इट्स इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो ये मिला है। और अगर हिस्ट्री का कोई करंट में रिलेटेड न्यूज़ है तो उसे तो डेफिनेटली करके जाओ, क्योंकि हिस्ट्री का वो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह के क्वेश्चन जैसे मैंने पैटर्न बनाया है वैसे ही डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ देगा आपसे हिस्ट्री रिलेटेड, क्योंकि यूपीसी का फेवरेट है कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस करंट में आ रहे हैं या न्यूज़ में है अगर करंटली, तो डेफिनेटली वो उससे ज़्यादा प्रेफर करता है। और यही सेम पैटर्न जो है बीपीएससी और यूपीपीसीएस, ये भी ये फॉलो करें, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं, ये क्या है कि इसमें मैन कैचिंग ए वाइल्ड गोट और विथ लेफ्ट हार्म, ऐसा ऐसा कुछ कुछ पेंटिंग जो है दिखती रहती है। और देख माना जा रहा है कि ये करीब 12,000 साल पुराना है, 12,000 से 10,000 साल पुराना है, ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो आ गई थी। जनरली अगर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं कि स्टोन टूल्स जो उस एरा में मिलते थे, ठीक है, उस पीरियड के मिलते थे, तो जो उसको क्या कहते थे, आपने हिस्ट्री में डेफिनेटली पढ़ा होगा, 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। दैट वी कॉल्ड एज माइक्रो लिथ्स, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, रॉ की तरफ, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया न्यूज़ है। एक्सप्लेनेशन एक बार आप भी देख लेना, ऐसा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन देख ही लेना, डोंट मिस द एक्सप्लेनेशन, जितना लिखा हुआ है वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जो है विथ रेफरेंस टू द रिसर्च एनालाइजिंग विंग, ठीक है, कह रहा है इट्स एस्टैब्लिश्ड टू हैंडल इंडियाज इंटरनल इंटरनेशनल इंटेलिजेंस रॉ अफेयर्स, डेफिनेटली रॉ का काम ही है, इसीलिए बनाया गया था। दूसरा, इट ऑपरेट्स अंडर द एगिस ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये थोड़ा गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, 5 सेकंड का टाइम है, आप मुझे बताओगे। अब ये सब तो डेफिनेटली यार बताने वाला ज़रूरत ही नहीं है कि ये सब किसके अंडर में काम करता है। चलिए होप कि आपने अपना आंसर रजिस्टर कर दिया होगा, और मेरे से आंसर सुनने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि सीधा का सीधा पीएमओ के कंट्रोल में, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा जान लेते हैं, रिसेंटली क्या हुआ है कि अपॉइंटमेंट कमेटी जो है कैबिनेट का, उसने अप्रूव किया है सीनियर आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा, ठीक है, एज अ चीफ ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, मतलब रॉ का चीफ बनाया गया, किसे, तो रवि सिन्हा, याद रखना, अगर प्रीलिम्स में नहीं आया तो कभी कभार इंटरव्यू में तो डेफिनेटली पूछ देता है कि रवि सिन्हा जो है वो कौन है अभी रिसेंट में, ठीक है। और अगर बात की जाए कि रॉ बना कब था, तो 1968 में, याद रखिएगा, जनरली इंडिया का इंटरनेशनल इंटेलिजेंस अफेयर्स के तौर पे, और चाइना और इंडिया का जो वॉर हुआ था 1962, उसके बाद से सीरियसली अपॉइंट कर दिया गया था, क्योंकि एक रीज़न ये भी था कि ये सब चीज़ इंटरनेशनल जो अफेयर्स थे उसे हम समझ नहीं पा रहे थे, हमारे पास ऐसा कोई रिसर्च विंग थी नहीं, जिसकी वजह से ये सब ट्रबल बार बार हो रहे थे, बैक टू बैक हमले पे हमला भी हो रहे थे एंड एवरीथिंग, तो फिर अपॉइंट किया गया, और ताकि अब जो है हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को दोनों को मेंटेन कर सके, ठीक है। और फिलहाल तो ये जो है अभी पीएमओ के अंदर आ रही है काम, देखो बाद में क्या करता है, सारे फील्ड में ये काम करती है, और डेफिनेटली ये 1968 तक मतलब आईबी रिस्पॉन्सिबल था, और आईबी के बाद 1968 से इसे फुल फ्लेश्ड ये कर दिया गया। और अगर हाँ कभी पूछ ले कि इसका पहले जो डायरेक्टर कौन थे, वो थे R.N. Kao, किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था, इंदिरा गांधी जी के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था, जो आयरन लेडी भी कहते हैं। चलिए अब लास्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, डाउन टू अर्थ ORG से हमने लिया है न्यूज़ है, लेक विक्टोरिया से, मतलब आप जियो का भी मान सकते हो उसे। चलिए आगे देख लें, और ये स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट तो आंसर आप ही को देना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो करेक्ट आंसर दिखाऊंगा नहीं जब तक ये ना हो जाए, क्योंकि तो लास्ट क्वेश्चन है, तो आई गेस कि आप आंसर दे सकते हो, बस इतना ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। कह रहा है लेक विक्टोरिया पहला लोकेटेड इन ईस्ट अफ्रीका एंड बॉर्डर्ड बाय तंजानिया युगांडा एंड केनिया, युगांडा से कुछ याद आया आपको, वो थ्री इडियट्स थी ना,
साइलेंसर जो कहता था आई वॉज बॉर्न इन युगांडा एंड स्टडीड इन पॉन्डीचेरी, ठीक है ये वही वाला युगांडा है, कहाँ पे है डेफिनेटली आपको पता ही होगा। तो कह रहा है कि ये ईस्ट अफ्रीका जो है उसमें है लेक विक्टोरिया और इट इज़ अ सोर्स ऑफ द वाइट नाइल रिवर। तो स्टेट स्क्रीन को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइम है, आंसर मुझे दीजिए। 1 2 3 4 5, चलिए इसका करेक्ट आंसर है दोनों के दोनों, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है, एक साइंटिफिक रिपोर्ट के तहत जो पब्लिश की गई थी वो बता रहा था सिग्निफिकेंट प्रेसिपिटेशन चेंजेस देखा जा रहा है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स जो है वो इवेंट्स अफेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को एज वेल एज द एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी जो लेक विक्टोरिया बेसिन के हैं। तो ये एक थोड़ा सा डेंजरस बात है, ठीक है। और दूसरा कि ये विक्टोरिया नयानजा इन केनिया भी कहा जाता है, यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन लिखी होगी इसकी, थोड़ा वो देख लेते हैं, ठीक है। फिर लोकेशन दिया हुआ है, रिसेंटली में क्या हुआ था वो, ये जो इतना दूर का न्यूज़ रहता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों आई थी इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। और डाउन टू अर्थ से हमने लिया है, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ, डाउन टू अर्थ ORG से लिया है, ठीक है। तो आप चाहो तो अगर पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ना है लंबा पेज तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, हम जो मैं जो जितना लगता है इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ लिख कर देते हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। और सोर्स है डेफिनेटली वाइट नाइल रिवर का जो नॉर्थ वार्ड में फ्लो करती है और ज्वाइन करती है ब्लू नाइल को, कहाँ पे, तो सूडान में, सूडान में ये करने के बाद ही है नाइल रिवर बन जाती है, जिसे हिंदी में नील नदी भी कहते हैं, ठीक है। और लोकेशन तो आपने देख ही लिया, और बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो हमें अभी भी इस पर काम करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। आप हम यही सब इनिशिएटिव ले सकते हैं, इससे बहुत बेनिफिट्स होगा इन द फ्यूचर भी। चलिए तो आज का जो न्यूज़ है वो कवर हो गया है, अगर डेफिनेटली इफ़ यू नीड द एडिटोरियल क्वेश्चंस तो मैं फिर कल से स्टार्ट करूँगा, बट प्लीज़ यू हैव टू पुट अ कॉमेंट कि हाँ वी नीड अ थिंग, बट नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलिए तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एज वेल एज आप अपना भी ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर।